पाकिस्तान के अधिकारियों ने कोरोना वायरस संक्रमण की दर तेजी से बढ़ने और इसकी 11% के पार पहुंचने के बाद राजधानी इस्लामाबाद तथा देश के अन्य अति संवेदनशील इलाकों में सोमवार को आंशिक लॉकडाउन लागू कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को फिर से उछाल देखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि हालात पिछले साल महामारी फैलने के समय से भी ज्यादा बुरे हैं। अधिकारियों ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोमवार को पूर्वी पंजाब प्रांत के अति संवेदनशील इलाकों में 1 अप्रैल से 2 सप्ताह का आंशिक लॉकडाउन लगाने का भी ऐलान किया था। पाकिस्तान सरकार पहले से ही बुरे दौर से गुजर रही है। अपनी अर्थव्यवस्था और नुकसान होने से बचाने के लिए अब तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू करने से बचती रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 4,525 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 41 रोगियों की मौत हुई है। पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 659.116 मामले सामने आ चुके हैं। महामारी से 14,256 लोगों की मौत हो चुकी है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही कोरोना वायरस और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।